दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है, और ख़ासकर जो मेरे चैनल पे नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइस हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि हम लोगों ने सब्जियां ठंडियों में सब्जियां बोए थे, वो अब तैयार होने लगे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये हमारे मटर जो हमने ठंडी में बोए थे वो अब तैयार हो गए हैं। ये देखिए काफ़ी मीठे मटर हैं, ये देखिए मैंने एक तोड़ के खाया था सुबह, बहुत ही मीठे थे। और गाइस मैं अभी ये घर के लिए तोड़ के ले जाऊंगा। ये देखिए बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा घर के लिए भी तोड़ लेता हूँ। गाइस घर के बहुत ही अच्छे मटर होते हैं, एकदम फ्रेश एकदम ताजे मटर होते हैं, और मीठे भी बहुत होते हैं। ये देखिए मैंने घर के लिए इतने सारे मटर तोड़े हैं। और गाइस अभी मैं आपको और सारी चीज़ दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं। दूसरी चीज़ ये है, आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये देखिए। तो चलिए गाइस मैं ही बता देता हूँ। तो गाइस ये धनिया का पत्ता है, ये बड़ा बड़ा हो गया है इसलिए इसमें फूल आ गए हैं। तो चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए। हमारे गेहूं भी एकदम गेहूं में बाली आने लगे हैं, ये देखिए। अभी तो ये फ़िलहाल कच्चे हैं, लेकिन 10-15 दिनों में ये पक्के हो जाएंगे और कटने लायक हो जाएंगे। ये समझ लीजिए आपकी रमज़ान से पहले ये हमारे गेहूं कट जाएंगे।